पंजाब में पिछली सरकारें अपनी विरासत को भी टूरिज्म के तौर पर विकसित करने में असफल रही, लेकिन पंजाब की मान सरकार अब पड़ोसी राज्यों की तर्ज पर टूरिज्म को धार्मिक से एडवेंचर की तरफ ले जाने की तैयारी में जुटी हुई है। इसकी प्लानिंग भी मान सरकार ने काफी हद तक शुरू भी कर दी है। पंजाब सरकार के डॉक्यूमेंट के अनुसार अब सरकार वाटर और एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ झुक रही है ताकि टूरिज्म को बढ़ाया जा सके। पंजाब ने पहले से ही खुद को धार्मिक पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित कर लिया है, जहां अमृतसर में गोल्डन टेंपल का सबसे पवित्र स्थान राज्य में आने वाले पर्यटकों की वार्षिक संख्या का लगभग 60% आकर्षित करता है। गोल्डन टेंपल को दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगह के रूप में भी मान्यता दी गई है। खास बात यह है कि वाटर व एडवेंचर स्पोर्ट्स टूरिज्म के अलावा पंजाब सरकार ढाबों पर भी काम कर रही है ताकि पंजाब की विरासत की झलक उन्हें टूरिस्ट को हर कोने में मिल सके। पंजाब सरकार के डॉक्यूमेंट के अनुसार पंजाब में जल पर्यटन के लिए अपार संभावनाएं हैं। पूरी दुनिया में पर्यटन उद्देश्यों के लिए जल निकायों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है और कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल जल निकायों पर या उनके आसपास स्थित हैं। बता दें कि पंजाब के आसपास एक व्यापक नहर प्रणाली के साथ 3 प्रमुख नदियां होने का सौभाग्य है, जो पर्यटन उद्देश्यों के लिए अप्रयुक्त है। यहां नीति राज्य में जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस क्षमता का दोहन करना चाहती है, जिससे रोजगार पैदा होगा और इस क्षेत्रों का आर्थिक विकास भी होगा। पंजाब को भारत के समृद्ध राज्यों में से एक होने का लाभ प्राप्त है। इसका फायदा ये भी है कि बड़ी संख्या में पंजाबी प्रवासी दूसरे देशों में बस चुके हैं, जिनकी जड़ें पंजाब में गहराई से जुड़ी हुई हैं। पंजाब सरकार का मानना है कि विरासती स्वाद को भी टूरिज्म के तौर पर विकसित किया जा सकता है। इसके लिए ढाबों को प्रशिक्षित करने की तैयारी चल रही है। खास बात यह है कि इस पॉलिसी के तहत सिर्फ ढाबे ही विकसित किए जाएंगे। जो खान पान की जगह रेस्टोरेंट के तौर पर रजिस्टर है, उन्हें इस पॉलिसी से नहीं जोड़ा जा रहा। इस पॉलिसी में कहा गया है कि ढाबों द्वारा दी जाने वाली सेवाएं किसी की यात्रा को यादगार बना सकती हैं। पंजाब राज्य में पर्यटन को हर सुविधा मिले, इसके लिए सरकार द्वारा पूरे प्रयास भी किए जाएंगे।